अब आप मेरी सभी वीडियो अन अकेडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। तो आइए देखते हैं आज रेलवे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए ज्योमेट्रिकल फिगर में प्रिज्म, पिरामिड, गोला, शंकु और बेलन, इन सब के बारे में जो भी इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी। बट क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि प्रिज्म पिरामिड किसे कहते हैं हम लोग, वो होता कैसा है, उसका आकार कैसा होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये जो है ये आपका एक प्रिज्म है। प्रिज्म का क्या होता है कि प्रिज्म को उसका नाम उसके आधार के अनुसार दिया जाता है। आधार मींस कि इसमें क्या होता है प्रिज्म में कि उसका बेस और उसका जो ऊपर शीर्ष होता है दोनों का एक ही होता है, दोनों सेम होता है। सेम का मतलब क्या है कि अगर आपका ये स्क्वायर है तो इसका शीर्ष स्थान भी आपका स्क्वायर होगा, यानी ऊपर और नीचे दोनों के दोनों सेम रहते हैं। और अगर इसके नीचे बेस अगर आप इसका ट्रायंगल है तो इसके ऊपर साइड भी इसका ट्रायंगल ही होगा। अगर ये आपका ये तो तीन भुजा है और ये चार भुजा, अगर ये पांच भुजा वाला हो तो भी इसके ऊपर भी पांच भुजा वाला ही होगा। तो यही है प्रिज्म की खासियत। और एक चीज, और हाँ, इसके आधार के अनुसार इसका नाम कैसे दिया जाता है, तो अगर ये वर्गाकार है तो इसे कहेंगे वर्गाकार प्रिज्म। इसका बेस आपका है त्रिभुज तो इसका हो जाएगा त्रिभुजाकार। अगर रेक्टेंगल आयत में रहे तो उसका हो जाएगा आयताकार प्रिज्म। ओके, तो इस तरह से वर्गाकार प्रिज्म, त्रिभुज आकार प्रिज्म और आयताकार प्रिज्म, ये नाम दिया जाता है। अब बात आती है इसमें एक और ये चीज पूछा जाता है कि ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म का जो पार्श्व सतह होता है ये आपका लैटरल सरफेस, तो ये किस आकार का होता है। तो आप यहां से देख लीजिए, ये देखिए आपको कैसा दिख रहा है, ये आयताकार दिख रहा है। फिर इसे घुमाकर भी देखेंगे तो ये आपका आयताकार दिख रहा है। अगर ये ट्रायंगल वाला भी आप देखें तो इसका लैटरल सरफेस कैसा दिखता है, तो एक आयत की तरह दिखता है। यानी कि प्रिज्म का जो ऊर्ध्वाधर सतह बोल सकते हैं या फिर पार्श्व सतह बोल सकते हैं, ये किस आकार का होता है, तो यह आयताकार होता है। और इसमें मैं भुजा गिनने के लिए आपको बता देती हूँ, सतह गिनने के लिए, जैसे मान लिया जाए ये एक वर्गाकार प्रिज्म है तो वर्गाकार प्रिज्म में कुल सतहों की संख्या कितनी, तो देखिए एक स्क्वायर नीचे और एक ऊपर, दो हो गए, और स्क्वायर में कितनी चार भुजाएं होती है तो चार लैटरल सरफेस होंगे। जितनी भुजा वाली आधार होगी उतना ही लैटरल सरफेस होगा उसका, तो चार और दो कितने हो गए, छह। अब आ जाइए त्रिभुज वाले में, त्रिभुज वाले में तीन होते हैं साइड, यानी तीन लैटरल सरफेस होंगे, एक दो और ये एक तीन और ये दो, यानी कि तीन दो टोटल पांच हो जाएंगे इसके फेसेस। अब आते हैं देखते हैं हम लोग पिरामिड के बारे में। ये रहा हमारा पिरामिड। पिरामिड की खासियत क्या है कि इसका सिर्फ बेस होता है, ऊपर ये एक पॉइंट पे एड्रेस जुड़ा हुआ रहता है। अब पिरामिड का भी क्या होता है कि इसके आधार के नाम पर ही इसका नाम रखा जाता है। जैसे कि अगर ये त्रिभुजाकार की होती तो त्रिभुजाकार पिरामिड, अगर वर्ग है तो वर्गाकार पिरामिड, इस तरीके से इसका नाम लिखा हुआ रहता है। अब इसका जो लैटरल सरफेस होता है, ये तिर्यक मतलब कि तिर्यक सरफेस जो होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो एक त्रिभुज की तरह होता है। त्रिभुज में भी समद्विबाहु त्रिभुज की तरह होता है। समद्विबाहु का मतलब क्या है कि जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती है और तीसरी भुजा दूसरे नाप की होती है। तो इसका लैटरल सरफेस जो कि तिर्यक सतह हो गया, कैसा हो गया, तो त्रिभुजाकार हो गया। अब इसमें फेसेस अगर गिनना है कि अगर आपका ये बेस वर्गाकार हो तब इसमें कुल कितने सतह होंगे, तो देखिए वर्गाकार में कितने चार होते हैं साइड, यानी कि इसमें चार हो जाएंगे ये तिर्यक फेस और एक ये, यानी कि टोटल पांच। अगर तीन भुजा वाले हुए तो क्या तीन हो गए, अगर त्रिभुज ऐसे रहता तो तीन होता क्या इसका तिर्यक सरफेस और एक, यानी कि चार। तो इस तरीके से हम लोग इसे गिनते हैं। अब आइए एक और फिगर देख लेते हैं। ये देखने में बिल्कुल पिरामिड के तरह है, लेकिन अंतर क्या है इसमें कि ये टोटल जितने भी आप साइड देख रहे हैं ये सारे के सारे इक्वल है। यहाँ पे देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज की तरह है क्योंकि इसके तीनों साइड इक्वल है। जब इसे टर्न करेंगे तो इसके भी तीनों साइड इक्वल और इसके भी तीनों साइड इक्वल ही है, सारे के सारे, यानी कि टोटल साइड इक्वल है तो टोटल एंगल भी इसके इक्वल होंगे। और इसे कहते हैं हम लोग, इसमें देखिए चार सतह, एक दो तीन और ये इधर चार। और सॉलिड में अगर सबसे कम फेसेस
वाली अगर कोई है तो यही है वो समचतुष फलक, जिसे हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रॉन्स। यही सबसे कम फलक इसी की है, सबसे कम फेसेस वाली। और इसे हम रेगुलर सॉलिड भी कहते हैं। रेगुलर सॉलिड का मतलब होता है जिसकी टोटल साइड और टोटल एंगल इक्वल होती है, बराबर होती है, उसे ही हम लोग कहते हैं रेगुलर सॉलिड। तो अब आइए देखते हैं आगे सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं अब प्रिज्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उससे संबंधित जो भी थोड़े मोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो आपका दिया गया है प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि प्रिज्म को उसके आधार यानी कि बेस के अनुसार नाम दिया जाता है। जैसे कि त्रिभुजाकार प्रिज्म, जिसका बेस अगर त्रिभुज का होगा तो उसे त्रिभुजाकार प्रिज्म, अगर स्क्वायर वर्ग में होगा तो वर्गाकार प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म, इसी तरह से आपका उसका नाम दिया जाता है। प्रिज्म के नीचे की सतह और ऊपर की सतह दोनों ही समान होती है। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि प्रिज्म का जो बेस होता है वही उसके शीर्ष यानी ऊपर की फेस पे भी वही रहता है। अगर नीचे ट्रायंगल है तो ऊपर भी ट्रायंगल ही होगा। अब इसमें सबका नाम मैंने दे दिया एग्जांपल के तौर पे त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में क्या होगा आपका, मैंने फिगर में भी आपको शो किया था, तो इस तरीके से होगा आपका त्रिभुजाकार। वर्गाकार में क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर में रहेगा दोनों बेस, इस तरीके से हो जाएगा वर्गाकार। पंचभुजाकार में 5 भुजाएं होंगी, षटभुजाकार में 6 भुजा होंगी, इस तरीके का प्रिज्म होता है। अब आगे देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक, वही हो गया आपका लेटरल सरफेस बोल सकते हैं इसे, तो ऊर्ध्वाधर फलक जो कि खड़ी रहती है वह हमेशा होते हैं किस आकार के। मैंने आपको फिगर में भी दिखा के बताया था, तो आप पॉज करके पहले इसका आंसर दे दें, और नहीं तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ कि प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा होते हैं आयताकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होती है, इसमें कुल कितनी सतहें होती है। तो आप इसे सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 5। प्रिज्म है ये, प्रिज्म में क्या होता है आपका, ये देखिए, ये हो गया आपका त्रिभुजाकार प्रिज्म। मैं बना के बता देती हूँ आपको, ये हो गया त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो एक हो गया ये, एक हो गया ये, दो हो गए हमारे, और एक आपको इस भुजा से लगी हुई रेक्टेंगल वाली जो रहेगी आपका, एक ये और एक ये, तो 3 और 2 टोटल कितने हो गए, 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होंगी। तो देख लीजिए आप इसे, अगर मान लिया जाए आप फिगर नहीं बना सकते तो आप इसे याद रखिए, मैं पहले फिगर बना के आपको समझा देती हूँ, उसके बाद फिर कितना भी भुजा का पूछे तो आपको याद रहेगा। देखिए ट्रायंगल आपका ये दिया गया है स्क्वायर में, तो एक नीचे बेस एक ऊपर, दो हो गए। चूंकि स्क्वायर में है तो 4 भुजाएं होती है स्क्वायर के, यानी कि 4 सतह आपको लेटरल सरफेस होगा, तो 4 और 2 टोटल कितने हो गए, 6। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 6। अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, हो सकता है कभी आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जाए, इसे याद कैसे रखना है। वर्गाकार पूछा तो वर्ग में कितने होते हैं साइड, 4, यानी कि 4 लेटरल सरफेस होंगे हमारे, ओके। और 2 जोड़ देना है क्या, एक बेस ये और एक ऊपर वाला, 2। अगर पूछे पंचभुजाकार में तो 5 भुजाएं होती है ना, तो 5 लेटरल सरफेस हो जाएंगी और 2 एक बेस और एक ऊपर, यानी 7। अगर षटभुजाकार में पूछे तो षटभुजाकार में 6 होते हैं भुजाएं, यानी 6 लेटरल सरफेस हो जाएंगे और एक नीचे और एक ऊपर, 2 बेस, यानी 6 2 8। तो ये निकालना बहुत ही ईजी है, जितनी भुजाओं वाले में पूछेगा उसमें 2 ऐड कर देंगे, प्रिज्म का टोटल सतह हमारा निकल जाएगा। इसमें भी वर्गाकार में क्या है, तो 2 वर्गाकार आपका, सॉरी 4 आयताकार सतह होगा इसमें, क्योंकि क्या है ये 4 भुजा है, तो ये इस तरह की 4 आयताकार सतह बनेंगे और 2 वर्गाकार सतह, एक ऊपर और एक नीचे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका कि एक सम पंचभुजाकार यानी पांच भुजाओं वाला, तो प्रिज्म में कुल कितनी सतहें हैं, तो पांच में क्या होगा, पांच लेटरल सरफेस हो जाएंगे आपके और दो हम इसमें और ऐड करेंगे, तो पांच और दो कितने हो गए, ये टोटल हो गए सात, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगर हमने इसमें पूछ दिया कि सम पंचभुजाकार में जो है आयताकार सतह कितने हैं, तो आयताकार सतह की संख्या कितनी, पांच हो जाएगी, क्योंकि पंचभुजाकार अगर बनाया गया है आपका इस तरीके से, तो पांच यहां पे ही लैटरल सरफेस होगा ना, एक इस पे, इस तरह से पांच होंगे, और दो क्या हो जाएंगे, दो हो जाएगा आपका पंचभुजाकार सतह, एक नीचे बेस और एक ऊपर। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। आगे पूछा गया है कि षटभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह यानी कि लैटरल सरफेस किस आकृति की होती है, तो प्रिज्म की जो लैटरल सरफेस होती है वह किस आकृति की होती है, मैंने आपको फिगर में भी दिखाया था, वो होती है आपका रेक्टेंगुलर, आयताकार होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अब देखिए पिरामिड के बारे में, पिरामिड के बारे में भी मैंने बताया कि पिरामिड का नाम जो है, पिरामिड का भी नाम उसके आधार के अनुसार ही दिया जाता है, प्रिज्म का भी नाम उसके आधार पर दिया जाता था, जैसे कि त्रिभुजाकार अगर बेस हो तो त्रिभुजाकार पिरामिड, वर्गाकार पिरामिड, आयताकार पिरामिड, इस तरीके से नाम उसका दिया जाता है। और इसके सभी तिर्यक फलक जो सरफेस होते हैं वो कैसा होता है, वो सारे के सारे होते हैं त्रिभुजाकार, और प्रिज्म में कैसा होता था, आयताकार। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दे रखा है, तो इसकी पिरामिड तो मैंने आपको दिखाया कि त्रिभुजाकार का कैसे था, ये आपका बेस था और इस तरीके से मिला हुआ था, तो आपको अगर फिगर याद रहेगा तो आपको इस तरह के का जो भी क्वेश्चन होगा उसके आंसर करने में आपको बहुत सारी सुविधाएं होंगी। तो चलिए चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें कि पिरामिड के सभी तिर्यक फलक किस आकृति के होते हैं, आपका ये पहला क्वेश्चन है कि पिरामिड के सभी तिर्यक फलक यानी कि लैटरल जो उसका सरफेस होता था वह किस आकृति का होता है, तो वो होता है आपका त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरामिड के फेस किस आकार के होते हैं, पिरामिड के फेस ये भी आपका वही क्वेश्चन है, तो इसमें त्रिभुज का ऑप्शन आपका यहाँ पे देख लीजिए एक ही है, और मैंने इसे बताया भी था कि त्रिभुज में वह कौन सा त्रिभुज होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के आधार के कुल चार फेस होते हैं, वो क्या कहलाते थे, आप याद कीजिए मैंने लास्ट टाइम वो आपको दिखाया था एक फिगर कि वह सॉलिड था और चार सतह थे उसमें, ओके, और समबाहु त्रिभुज के थे यानी कि चारों समबाहु त्रिभुज के सतह थे, तो वो क्या था हमारा, वो था हमारा क्या, समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म या पिरामिड के नाम किस आधार पर रखे जाते हैं, सॉरी यहाँ पर होगा, किस आधार पर रखे जाते हैं, तो वो रखा जाता है आपको कि आधार के आकार के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन से अधिक प्लेन या समतल सतहों से घिरे सॉलिड को क्या कहते हैं, तीन से अधिक ये घिरा हुआ है और ये सॉलिड यानी कि ठोस है और ये समतल सतह है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो तीन से अधिक जैसे ही होता है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीहेड्रॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नियमित बहुफलकीय रेगुलर पॉलीहेड्रल ठोस जो सबसे कम फलक रखता है, जिसके कि सबसे कम फेसेस होते हैं, तो ऑप्शन से आपको इसमें चूज करना होगा, क्यूब में कितने होते हैं, तो क्यूब में छह फेसेस होते हैं, स्क्वायर पिरामिड जो होता है आपका, पिरामिड जो कि ऊपर एक पॉइंट पे मिला हुआ रहता है, स्क्वायर यानी कि एक नीचे सतह और स्क्वायर में चार भुजाएं होती है, तो चार आपका त्रिभुजाकार सतह हो जाएगी, तो चार और एक कितने हो गए, पांच। ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपका तीन लैटरल और दो एक बेस और एक ऊपर फेस शीर्ष पे रहता है, तो यानी कि तीन और दो कितने हो गए, इसके भी पांच हो गए। टेट्राहाइड्रॉन में हमने बताया था कितनी होती है, इसमें मात्र और मात्र चार ही फलक होती है और चारों के चारों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि आठ एक समान लंबाई वाली भुजाओं से बनी त्रिभुजाकार सतहों से कौन सी ठोस आकृति बनती है, इसमें क्या दिया गया है आपको, आठ, ओके, तो आठ जैसे ही आता है तो वह क्या कहलाता है आपका, ऑक्टाहेड्रॉन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुछ ठोस सिंगल कर्व्ड सरफेस, सिंगल कर्व्ड यानी कि मुड़ी हुई से घिरे होते हैं और इन्हें जब हम लोग अनरोल करेंगे तो यह कैसी दिखेगी। तो आप थोड़ा सा सपोज कीजिए कि ये एक क्या है आपका कर्व्ड सरफेस है, ये एक बेलन का फिगर दिया गया और ये कर्व्ड मुड़ा हुआ है, ये गोल इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है। जब हम अगर इसे किसी कहीं पे से काट दें और चूंकि ये सिंगल कर्व्ड है यानी एक ही लेयर है और इसे जब ओपन करेंगे हम तो यह क्या बन जाएगा, एक समतल सतह बन जाएगा। ओके तो ये आपका ऑप्शन में दे रखा है सॉलिड, प्लेन या ए और बी दोनों। तो जब ये चूंकि सिंगल कर्व्ड है तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, एक प्लेन दिखेगा, समतल सतह दिखेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, इसमें पूछा गया कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। तो सॉलिड होते हैं 2 प्रकार के। मैं इसके इसके बारे में मैं बता देती हूँ आगे सॉलिड में क्या क्या आता है, तो देख लीजिए यहाँ पे सॉलिड के 2 प्रकार होते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया है कौन कौन से। तो एक तो है आपका पॉलीहाइड्रॉन और सॉलिड हैविंग प्लेन, जिसे कि हम लोग कहते हैं बहुफलक या समतल फलकों वाला ठोस। दूसरा होता है आपका सॉलिड हैविंग कर्व्ड सरफेस, वक्रित सतहों वाला ठोस। समतल सतह वाले में जैसे कि आता है आपका प्रिज्म, पिरामिड, समबाहु फलक, ये सारे चीज आते हैं। और आपके ये जो कर्व्ड वाले में होता है आपका बेलन, शंकु, गोला, ये सारे चीजें आती है। ओके अब चलते हैं थोड़ा सा और जान लेते हैं इससे आगे। कहता है कि किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष यानी कि एक्सिस पर आधार पर लंब होता है या किस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट सॉलिड, ऑब्लिक सॉलिड या रेगुलर सॉलिड। इसके बारे में मैं इसके आगे बताऊंगी, आप वीडियो को देखते रहे, मैं आगे समझा दूंगी। तो ये होता है कि किसके एक्सिस पर लंब होता है, तो ये होता है आपका राइट सॉलिड। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार पर कोण बनाते हुए झुका होता है, तो वो होता है आपका ऑब्लिक सॉलिड। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किस सॉलिड के आधार पर समान ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, कि किस सॉलिड के आधार पर समान ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, तो वो होता है आपका रेगुलर सॉलिड। अब जानते हैं हम इन तीनों के बारे में। यहाँ पे देखिए राइट सॉलिड, मैंने पहले ही बताया था आपको राइट सॉलिड के बारे में। यहाँ पे देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट वाला ही, ये देखिए कि किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष यानी कि एक्सिस आधार पर कोण बनाते हुए झुका होता है। नहीं, ये दूसरा है आपका सॉलिड वाला, पहले राइट एंगल वाला देख लीजिए। किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष एक्सिस आधार पर लंब होते हैं, लंब मीन्स क्या होता है आपका कि 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है। तो मैंने आंसर बताया था आपको राइट सॉलिड। अब राइट सॉलिड का आप यहाँ पे फिगर देख लें, ये रहा राइट सॉलिड का फिगर। क्यों, यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे बेस दिए गए हैं, सारे रेड कलर से है। अब यहाँ पे ये देखिए जैसे लंब डाला तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री का एंगल, ऐसे भी यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का बना रहा है एंगल, इसकी जो हाइट है यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसका एक्सिस, और यहाँ पे हाइट देते हैं तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसके एक्सिस क्या होते हैं, लंब होते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग राइट सॉलिड। आगे देखते हैं अब ऑब्लिक सॉलिड, जो कि हमने क्या बताया आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख लीजिए आप सेकेंड वाले क्वेश्चन में। हाँ, क्या था यहाँ कि सॉलिड के एक्सिस आधार पर कोण बनाते हुए झुका हुआ होता है। यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये क्या है आपका एक्सिस कोण बनाते हुए, ये थोड़ा सा क्या है झुका हुआ है। ऐसे भी जब हम लोग ऑब्लिक देते हैं तो कैसे देते हैं, अगर हमने कहा ए ऑब्लिक बी लिखने के लिए तो ए दे के ऑब्लिक आप कैसे देते हैं, इस तरीके से देते हैं ए ऑब्लिक और यहाँ पे हमने लिखा बी, तो थोड़ा सा क्या करते हैं झुका हुआ होता है। तो यही झुका हुआ जो जितने भी ठोस होते हैं बेलन में भी हो सकते हैं, शंकु में भी आपका, तो ये हो गया ऑब्लिक सॉलिड, इस तरीके की फिगर होती है इसकी। नेक्स्ट आ जाइए आप, क्या है रेगुलर सॉलिड। रेगुलर सॉलिड में क्या होता है कि इसके जितने भी आपके भुजाएं होती है यानी कि जो भी साइड होते हैं और जितने भी एंगल होते हैं सारे के सारे इक्वल होते हैं, सारे पार्ट्स इसके इक्वल होते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग रेगुलर सॉलिड, जैसा कि इस फिगर में भी आपको दिखाया गया है और इस वाले फिगर में भी दिखाया गया है।
ओके तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा, तो प्लीज़ इसे कमेंट करें। और भी वीडियो इस तरह की देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। धन्यवाद।